तो जैसे कि गाइज आप लोगों ने देखा कि यहाँ मेरे पटदार में बगल में कथा हुआ, रामायण हुआ, जिसमें मैं भी थोड़ी बहुत शामिल हुई थी, और आगे जिन भैया के घर पे रामायण हुआ है और कथा हुआ है, तो आप लोग को मैं उनसे मिलवाती हूँ और कुछ उनसे बुलवाती हूँ, देखूँ ये गांव समाज के बारे में हम लोग को क्या सीख देते हैं। मिलिए आप लोग उनसे। हाँ भैया, आपका क्या नाम है जी? ग्राम वासियों को सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम योगेश मिश्रा है। अच्छा अच्छा और आप गांव समाज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? अब गांव समाज में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो गढ़ही की गंदगी है। हमारे यहाँ तीन गढ़ियाँ हैं, तीन अच्छा। गढ़ही में गांव का जितना से गंदा नाली का पानी पूरा जा रहा है जी जी। और इससे जो जितने बच्चों को संक्रमित बीमारियाँ जो होती हैं, इसमें चर्म रोग और उसके बाद और भी क्या नाम है, इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ एक रोड की समस्या है, ये हमारे यहाँ लखनऊ मोड़ से बैरिया डी तक का एक हमारा रोड है। रोड जी जी, बैरिया डी एक ऐसा गांव है, जब बाढ़ का समय बरसात का समय आता है तो 30 से 40 गांव का संपर्क उस गांव से टूट जाता है। अच्छा, बैरिया डी से? जी बैरिया डी से जी। तो उसमें क्या है कि जो हमारा आम जनमानस है और जो हमारी गरीब जनता है, उसको स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी या इस संबंधित कोई किसी भी कार्य के लिए अगर मऊ जिला या तहसील स्तर तक की यात्रा करनी है तो बाढ़ के टाइम में वो यात्रा नहीं कर पाते। जैसे अच्छा, अच्छा। महिलाओं को प्रसूति संबंधित अगर कुछ समस्या होती है तो वो नहीं कर पाती हैं, जिससे कि बहुत महिलाओं का समस्या पैदा होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत महिलाओं का जान भी चला जाता है इसके वजह से। जी जी, क्योंकि सबसे बड़ी क्या है ना कि देखिए रूरल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जागरूकता की। हमारे यहाँ जितने भी आप देखेंगी जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो ज्यादातर परिवार के पोषण पे ज्यादा ध्यान देती हैं। जैसे हमारा बच्चा खा ले, हमारे हमारे सास ससुर खा ले, हमारे पति खा ले, लेकिन वो अपने पर नहीं ध्यान देती हैं। अगर घर में अगर 20 रोटी 25 रोटी जो बन रहा है या थोड़ा सब्जी दाल चावल बन रहा है, उसमें लास्ट में उनके लिए आधी या एक रोटी बचा है जिसको वो खाने की कोशिश करती है, जिससे उनको क्या होता है कि ब्लड का लेवल डाउन होता है। और ब्लड में जैसे तीन सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जब एक डिलीवरी का समय होता है एक माँ का, तो उस टाइम में जो प्लेटलेट्स होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा लेवल होना चाहिए, क्योंकि रोग से लड़ने की एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में, जो महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा इसके लिए बहुत ही समस्या हो जाती है। तो जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जाते हैं, तो क्या होता है कि जो यूट्रस बच्चेदानी होती है उसमें बहुत समस्या हो जाती है, बच्चा उल्टा हो जाता है या तो पता होता है कि अनमेच्योरिटी बच्चा डिलीवर हो जाता है जी जी। तो उसको आगे चल के माँ के लिए भी बहुत समस्या है, क्योंकि माँ तो जब जननी है जी। और हम लोग भी एक माँ के ही गर्भ से पैदा है जी। तो यह भी एक दुख का विषय है कि क्यों हमारे रूरल क्षेत्र की माओं को इतनी समस्या आ रही है जी। और हमारे यहाँ जो ओल्ड एज की जो औरतें हैं, जैसे हमारी दादी है, हमारी अम्मा है, हमारी माँ है, तो इन लोगों को 40 साल के बाद से भी समस्या पैदा हो जाती है। अच्छा, जागरूकता ना होने की वजह से ये क्या करती है कि मेडिकल स्टोरों से दवाई खाना शुरू कर देती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दर्द हो रहा है तो मेडिकल स्टोर वाले उनको स्टेरॉइड जो एक दर्द का एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जी। लेकिन स्टेरॉइड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है हमारे जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं जी जी। उन छोटे छोटे ज्वाइंट्स में ऑलरेडी पेन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू होता है। अगर आप लंबे समय तक 5 ईयर्स 6 ईयर्स 3 ईयर्स तक अगर आप कंटिन्यू मेडिसिन खाते हैं। अच्छा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि जो पेशेंट हैं वो अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के संपर्क में नहीं आ पाते जी। और वो एक कहा जाए कि थोड़ा सा अनमेच्योरिटी टाइप का ऐसा है कि जिसके वजह से लोगों को ये शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए यहाँ पे। और हमारा मऊ डिस्ट्रिक्ट बहुत ही डेवलप डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं, जैसे हमारा जिला स्तर पर है, हॉस्पिटल्स भी हैं और सब चीज़ें। बट हमारे यहाँ अगर कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो या तो वो बनारस जाते हैं या तो फिर लखनऊ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मऊ, आजमगढ़ और बनारस में ही उन मरीजों के साथ शोषण होता है। ये चीज़ है, बहुत ही अच्छे लेवल का पैसा वो खर्च करते हैं लेकिन मरीजों का इलाज अच्छा। और ये मेरे जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, उन बच्चों को आप क्या सीख देना चाहते हैं? उन बच्चों को यही सीख देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से एक बहुत ही अच्छा आपने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, जिसके वजह से एक आपने अच्छा ज्ञान आपके वजह से, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास एक कहा जाए कि बृहद आपके पास एक कहा जाए बुद्धि का विस्तार है,
जिसकी वजह से उन बच्चों को एक अच्छा शिक्षा आपके माध्यम से मिलता है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके माध्यम से हमारे गांव क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी धर्म, चाहे किसी भी से हो, और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने का संभावना दिखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे बच्चों के लिए, और आपका भी धन्यवाद। आप मेरे वीडियो में आए और कुछ गाँव के बारे में सबको बताएं और कुछ अपने यहाँ जो भी परेशानियाँ हैं उसके बारे में बताएं। और समस्या है जी, जैसे कि हमारा जो रोड है, मेन रोड जी, आप भी यात्रा करती हैं, आपने भी देखा होगा, सबसे बड़ा क्या है कि जो ये मर्यादपुर से दोहरी घाट तक का रोड है, इसका चौड़ीकरण का भी समस्या बहुत जबरदस्त है। इसका चौड़ीकरण, लेकिन रोड तो फिलहाल बना हुआ है, बट उसका डिवाइडर नहीं है। जैसे अगर आप देखें, हाँ डिवाइडर तो होनी चाहिए, इसपे मैं एक वीडियो बनाई थी कि डिवाइडर जरूर होना चाहिए। शहरों में जैसे होता है, ज्यादातर एक्सीडेंट जो होता है वो इसी कारण होता है कि डिवाइडर नहीं है। यहाँ पे इधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो ये चीज तो होना चाहिए। जैसे आपने उसमें डाला था कि भाई अगर आप एक महिला होकर के अगर आप रोड पे अगर आप यात्रा कर रही हैं जी जी, तो आपको अगर आप अवेयर नहीं है तो उसमें क्या होता है कि कहीं आपके सामने से कोई साइकिल चला जाता है, कोई बाइक चली जाती है, कोई कार, बहुत ऐसे लोग हैं जो कार को टर्न करते हैं बिना विदाउट इंडिकेटर जी 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 जी, या बाइक को ही बिना इंडिकेटर के करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको वो इंडिकेटर सिर्फ पुशअप करने में पता नहीं क्यों उनको प्रॉब्लम होती है, वो नहीं करना चाहते जी। बिल्कुल, तो ये एक ट्रैफिक रूल का जो एक है ना सिस्टम, इसका एक अवेयरनेस, एक कहा जाए कि पुलिस विभाग को इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और लोक निर्माण विभाग से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आजमगढ़ और मऊ डिस्ट्रिक्ट से, कि खासकर इस रोड के लिए एक चौड़ीकरण का एक प्रावधान लाया जाए, जिसकी वजह से ये रोड चौड़ा हो, जिसपे डिवाइडर लगे। और मर्यादपुर जो हमारा गाँव है, वहाँ आप देखेंगे बस स्टेशन बहुत ही जर्जर की स्थिति में। अच्छा अच्छा, आप देखेंगे ये स्वर्गीय कन्हैयालाल मिश्रा के समय में ये बस स्टैंड का स्थापना हुआ था, और उस समय से अब तक हमने अपने जीवन काल में ये नहीं देखा कि उस पर कोई नई ईंट की आधारशिला रखी गई। तो यह भी एक प्रमुख समस्या है कि हम लोग अगर बाहर से आते हैं या और भी हमारे लोग आते हैं, तो वो जब मर्यादपुर बाजार में या देश विदेश से लोग आते हैं, जब वहाँ उतरते हैं, तो उनको उतरने के लिए पता चलता है कि सड़क के किनारे वो उतरते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो बैठ सकें, जहाँ पे 2 मिनट 10 मिनट रेस्ट कर सकें, कि उनके घर से कोई आकर के उनको पिकअप कर सकें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा जी, आपने अच्छा मेरा कीमती समय लिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, भाग्यशाली समझा कि मैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपने बहुत अच्छा बताया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन के आपकी बातें। और चलिए, मैं ये जनता से निवेदन करती हूँ कि शायद आपके माध्यम से जो भी आपने जनता को बताया सिखाया शायद फॉलो करे, और आपको और कुछ जो है अपने गांव में, मऊ जिले में कुछ विकास हो। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी आपका धन्यवाद।